नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की किताब की, नवीन संस्करण है। स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जीके के लिए शानदार किताब है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस किताब का। अभी आरएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस आरएस के एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। 250 पेज के लगभग, यानी 250 पेज के लगभग की किताब है ये। और इस किताब में से आरएएस का एग्ज़ाम जो 1 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, उसमें 18 प्रश्न राजस्थान इतिहास से संबंधित पूछे गए, जिसमें 17 प्रश्न इस किताब से पूछे गए प्रश्न हैं। यानी कुल मिला के 100% प्रश्न इस किताब से मिलने वाले हैं आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो एक तरह से रामबाण साबित होने वाली किताब ये। इतिहास, कला एवं संस्कृति की जो किताब है, भारत और राजस्थान का, इसके अंदर इतिहास और कला संस्कृति संबंधित प्रश्न दे रखे हैं। भारत और इतिहास से संबंधित व्याख्यात्मक रूप में किताब है। और 30 अंकों के लिए महत्वपूर्ण, यानी कुल मिला के जो फर्स्ट ग्रेड जीके में 15 प्रश्न राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के पूछे जाते हैं, उन 15 प्रश्नों के लिए लेटेस्ट अपडेट है। और सेकेंड संस्करण है इस किताब का, यानी पहली किताब 2022 में प्रकाशित हो चुकी है, दूसरा संस्करण है इस किताब का। नाथ पब्लिकेशन की किताब है, वैसे भी बहुत ही शानदार आती है, गज़ब की आती है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और पीडीएफ बताते हैं इसके अंदर के मैटर का क्या क्या है। इस किताब के अगर राइटर की बात करते हैं तो राइटर इसके पवन भवरिया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। और इस किताब की खास विशेषता ये है कि थ्योरी के रूप में किताब है और इसके साथ प्रश्न बैंक के रूप में, जिसमें 1000+ प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में है, बुकलेट इसके साथ निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। आप राजस्थान के किसी भी बुक स्टोर से इस किताब को खरीदते हैं तो इसके साथ आपको प्रश्न बैंक निःशुल्क मिल जाएगा। इसमें नवीन गठित संभाग एवं जिले के अनुसार इसमें दे रखा है। इसके अलावा विगत भर्ती जो हुई है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के 2012 से लाकर 22 तक उनके प्रश्न दे रखे हैं। और अध्ययनवार 1000+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस किताब के साथ जो बुकलेट है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। किताब के अंदर की बात करते हैं, अंदर का मैटर क्या क्या दे रखा है। उससे पहले बात करते हैं आरएएस 1 अक्टूबर को आयोजित जो एग्ज़ाम, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं वो बताते हैं आपको। ये देखिए आप, आज संपन्न आरएएस प्री एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड जीके हिस्ट्री के पाठ्यक्रम से जुड़े कुल मिलाकर 18 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 17 प्रश्न हाल ही में प्रकाशित नाथ पब्लिकेशन की सीकर की पुस्तक फर्स्ट ग्रेड जीके हिस्ट्री बाय पवन भवरिया में उपलब्ध है। यानी जो किताब आपको बताई उस किताब से सारे के सारे प्रश्न इसमें दे रखे हैं। ये देखिए जितने भी प्रश्न आपको, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार के सारे प्रश्न जो 18 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें 17 प्रश्न इस किताब से पूछे गए हैं। अब बात करते हैं इस किताब के पीडीएफ की। कवर पेज आप देख ही चुके हो, 30 नंबर के लिए महत्वपूर्ण किताब है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की किताब है। अंदर की बात करते हैं इसकी, जैसे पहला ही टॉपिक दे रखा है इसके अंदर गुप्त काल व मुगल काल में साहित्य व स्थापत्य कला के बारे में दे रखा है। तो स्थापत्य कला के बारे में सारणी के माध्यम से डिटेल से बता रखा है, यानी गुप्तकाल की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इस प्रकार से गुप्तकालीन कला एवं साहित्य के बारे में और सारणी के माध्यम से बता रखा है कि कौन सा मंदिर किस प्रदेश में वर्तमान में स्थित है, उस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा इस किताब के अंदर। ये विभिन्न यात्री, जो विदेशी यात्री आए हैं, उन विदेशी यात्रियों के जो कथन दे रखे हो, कथन किसने क्या देखा राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर, उनकी डिटेल इस किताब में देखने को मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति हुई थी, कौन से तारीख को किस स्थान पर हुई थी और अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, उनके बारे में सारणी के रूप में डिटेल से इसमें देखने को मिल जाएगा किताब के अंदर आपको। ये विभिन्न क्रांतिकारी से संबंधित दे रखा है। इसके अलावा एक एक जो क्रांतिकारी हुए हैं भारत के अंदर, उनके बारे में डिटेल से दे रखा है। जैसे भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, सुखदेव के बारे में डिटेल से उनकी जानकारी पूरी दे रखी है, उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी, उनका जन्म कहाँ था, उनके कोटेशन वगैरह सारी डिटेल इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी राजस्थान जीके के लिए आपको इतिहास, कला, संस्कृति में इस किताब के अलावा एक शब्द भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शानदार गजब की किताब ये। विभिन्न प्रकार के आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, इसके बारे में डिटेल से बता रखा है इस किताब के अंदर। रोलेट एक्ट के बारे में देख सकते हैं आप, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में डिटेल से बता रखा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी उनकी जानकारी, सारी जानकारी दे रखी है। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, बहुत सारी बार प्रश्न बना हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी किताब लिखी हुई या नहीं है, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, किताबें सारी दे रखी है। राजस्थान के अंदर विभिन्न सभ्यताओं के बारे में डिटेल बता रखा है, यानी उज्जैन सभ्यता, ब्यावर के अंदर गिलुंड सभ्यता के बारे में बता रखा है, बेराट सभ्यता जो कोटपुतली बहरोड़ के अंदर आ गया है वर्तमान में, पहले जयपुर के अंदर था, यानी चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है, उज्जैन जो पहले भीलवाड़ा के आसपास था लेकिन वर्तमान में ब्यावर के अंदर आ गया है, गिलुंड राजसमंद के अंदर है, इनके बारे में डिटेल से आपको, यानी जो राजस्थान के जिले चेंज हुए जिले अनुसार व्यवस्थित क्रम में आपको दे रखा है, तो आपको नए जिलों के अनुसार भी अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से पूर्णतः अपडेट किताब है।
अब जैसे गणेश्वर सभ्यता के बारे में अभी तक हम सिक्कर के बारे में पढ़ते आ रहे, लेकिन सिक्कर से एक नया जिला निकला है, नीम का थाना। नीम के थाले में गणेश्वर सभ्यता देख के मतलब ये पूर्णतः अपडेट है। राजस्थान के अंदर विभिन्न शासक उनके बारे में डिटेल से बता रखा, जैसे अजय राज के बारे में, बिसल देव चौहान के बारे में जिसको विग्रह राज के नाम से जाना जाता है, विग्रह राज चतुर के नाम से, उनके बारे में डिटेल मिल जाएगी आपको इस किताब में। इसके अलावा अगर बात करते हैं 1857 की क्रांति में किस राज्य के अंदर किस शासक का शासन था, सारे जानकारी सारणी के माध्यम से इस किताब के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी। और कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1857 की क्रांति के समय था, तो अंग्रेज अधिकारी किस जिले में कौन सा अधिकारी था, उनके बारे में डिटेल से मिल जाएगी जानकारी आपको। विभिन्न प्रकार के जो किसान आंदोलन उनके बारे में डिटेल मिल जाएगी, अलवर भरतपुर किसान आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में, मीणा आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में, और प्रजामंडल से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे थे, उनके बारे में भी डिटेल से आपको इस किताब के अंदर जानकारी मिल जाएगी। सारणी के माध्यम से पूरी डिटेल दे रखी है इस किताब के अंदर। राजस्थान के एकीकरण की जानकारी भी आपको डिटेल से मिल जाएगी, यानी सप्तम चरण दे रखा है राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना, ये पूरी डिटेल आपको इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण सारणी के माध्यम से दे रखा है डिटेल से। इसके अलावा और बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता के बारे में, यानी कौन कौन से लोक देवता जो उनका जन्म स्थान से संबंधित वो किस लिए प्रसिद्ध थे, वो डिटेल आपको सारणी के माध्यम से इस किताब के अंदर दे रखी है, जो शायद ही किसी किताबों में देखने को मिलेगी। राजस्थान के विभिन्न लोक देवियाँ यानी लोक माता के बारे में डिटेल से बता रखा, दधी माता, ब्राह्मणी माता, सच्चाई माता, चामुंडा माता, नागणेची माता, इनके बारे में डिटेल आपको इस किताब में मिल जाएगी। इसके अलावा विभिन्न जो संप्रदाय हुए राजस्थान के अंदर, जैसे लकुलिस संप्रदाय हुआ है, नवल संप्रदाय हुआ, नाथ संप्रदाय हुआ, इनके बारे में भी डिटेल से इस किताब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग कौन कौन से दुर्ग कहाँ पे स्थित है और किस लिए बना रखे, उसकी विशेष जानकारी क्या है, यानी उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में डिटेल से आपको देखने को मिल जाएगी इस किताब के अंदर। जैसे भैसरोड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के अंदर विशेष व्यापारी ने बनाया था और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, तो ये बहुत शानदार तरीके से इस किताब में सारणी के माध्यम से समझा रखा है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कौन से महल कहाँ स्थित, जैसे डिक के जल महल भरतपुर के अंदर है, मुबारक महल जो वेलकम पैलेस के नाम से जाना जाता है, उम्मेद पैलेस जो जोधपुर के अंदर, उनके बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की शैलियाँ देखने को मिल जाएगी आपके राजस्थान के अंदर, जो चित्रकार हुए हैं राजस्थानी के प्रसिद्ध चित्रकार, उनके बारे में डिटेल से आपको जानकारी इस किताब में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी महीनों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में भी डिटेल मिल जाएगी, जैसे माघ मास में चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ मनाई जाती है, शिवरात्रि कब मनाई जाती है, फाल्गुन की कृष्ण त्रयोदशी को, तो ये डिटेल भी आपको इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगी। और राजस्थान के अंदर महिलाओं के जो आभूषण है, पुरुषों के जो आभूषण है, हाथों में, पैरों में, कलाई में, सब जगह, जैसे कलाई के अंदर अंगुलियों में, कमर में, पैर में, सिर, कान, गला, हाथ, पैर, कमर, बच्चों के आभूषण, इन सब प्रकार की जानकारी आपको डिटेल से इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में विभिन्न जो प्रथा है उन प्रथा के बारे में देखने को जानकारी मिल जाएगी। और राजस्थान के अंदर जो बोलियाँ हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान की कौन सी बोली है, उत्तरी राजस्थान की कौन सी बोली है, उन बोलियों के बारे में भी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। जैसे उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये सारी जानकारी इस किताब में देखने को आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। और राजस्थानी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ दे रखे हैं, यानी राजस्थानी भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ, यानी ब्रजसुन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली ग्रंथ लिखा है, इस प्रकार की जानकारी भी इस किताब में देखने को आपको मिल जाएगी। पूरी तरह से बात करें तो पूरी तरह से अपडेट किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, गजब की किताब है, और आप स्वयं ला के खरीदोगे, पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। यानी जिस एग्ज़ाम के लिए बनी उसके लिए तो महत्वपूर्ण किताब साबित ही होगी, यानी RS के एग्ज़ाम के लिए नहीं बनी थी फिर भी उसमें 18 में से 17 प्रश्न इस किताब से मिले हैं, तो जिसके लिए बनाई गई किताब ही, यानी 15 प्रश्न के लिए बनाई गई है, तो 15 में से 15 ही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के लिए मिलने वाले हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अभी से आनी है और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं और जो वैकेंसी का इंतजार किए बिना इस किताब को लाकर पढ़िए, अपनी तैयारी को धार दीजिए, यानी राजस्थान के GK के लिए गजब की किताब है और राजस्थान GK कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के अलावा भी आप राजस्थान के कोई सा भी एग्ज़ाम इस किताब को पढ़कर दे सकते हो और उसमें से पूरे के पूरे प्रश्न सही कर सकते हो, तो बहुत ही शानदार किताब है। और नाथ पब्लिकेशन किताब शानदार आती है और पवन भवनिया सर की किताब अपने आप में बहुत ही शानदार है और गजब की किताब आती है। तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो अपडेट किताबों के रिव्यू के वीडियो लेकर। मैं दिनेश मालविया लगातार आपके सामने आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।